बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वेलकम शाही कुकिंग। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी मीठे चावल, इसे ज़रदा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह हमने लिया है बासमती चावल 300 ग्राम, और ये इलायची ले लीजिए 3-4, और काजू ले लीजिए, किशमिश है, खोपरा और बादाम, और ये 250 ग्राम शुगर ले लीजिए, और ये ज़ाफ़रान पाउडर और घी। तो चलिए बनाते हैं। अब एक साइड हम पानी ले लेते हैं, ये देखिए ये बॉयल हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ज़ाफ़रान पाउडर। ऐसे बॉयल होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे राइस। राइस हाफ कुक करिए, ज़्यादा इसे मत पकाइए, इसे मिक्स कर दीजिए। अब ये देखिए राइस कुक हो गए हैं अच्छे से। अब इसे चेक करते हैं, हाफ कुक करिए सिर्फ। अब ये हो गए हैं रेडी। इंशाल्लाह आप लोग को पसंद आएगा। ये हैदराबादी मीठे राइस है, मीठे चावल, इंशाल्लाह पसंद आएंगे। अब हम एक दूसरी तरफ पैन ले लेंगे, इसमें घी डालिए और सब जो ड्राई फ्रूट्स थे उसे तल लीजिए। ये हम डालें किशमिश, हल्का तलिए, ज़्यादा मत तलिए, हल्का ब्राउन होने के बाद निकाल लीजिए। अब हम डालेंगे इसमें बादाम काजू, इसे भी हल्का ब्राउन कर लीजिए। हल्का फ्राई होने के बाद हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम खोपरा फ्राई करेंगे, इसे भी हल्का ब्राउन कर लीजिए, लाइट ब्राउन। ये ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे। अब हम उसी पैन में अब ऐड करेंगे शुगर और थोड़ा सा ज़ाफ़रान पाउडर, और जो हम चावल बना लिए थे उसी का पानी हम थोड़ा रखे थे वो पानी भी इसमें ऐड कर लेंगे। वो पानी फेंकिए मत, जो चावल आप छान लेंगे थोड़ा पानी रखिए उसका, वही पानी हम डाल लेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें राइस डाल देंगे। अगर आपको पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा और ऐड कर सकते, नहीं तो इसी में आप पकाइए, थोड़ा पकने दीजिए। और अब हम इसे कवर कर कर रख देंगे, स्लो फ्लेम पे पकाइए, आप दम पे रखिए। अब ये देखिए हो गए हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है वो दम पे थोड़ा रख देंगे तो हम सूख जाएगा पानी। अब ये देखिए हो गए हैं रेडी, कितने खिले खिले हुए हैं चावल। इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी मेरी रेसिपी, आप भी बनाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।